हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। और फ्रेंड्स, सुबह के बज गए हैं 8 और मेरा वीडियो 8 बजे स्टार्ट हो रहा है। और मेरा चेहरा देख लीजिए, कितना फूला फूला सा है, नीली फूला हुआ इस वजह से। और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ फ्रेंड्स, और अब मैं जा रही हूँ बर्तन मेरे शाम को मैंने धुला था रात में, तो जमा देती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, फिर उसके बाद में देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो आप सब बने रहिए ब्लॉग में और दिखाएंगे क्या क्या करते हैं। मेरा सब बहुत दुख रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं बर्तन ये जमा लेती हूँ। और कितना ज़्यादा मेरा फूल गया है, नीम नीम पूरा हुआ है फ्रेंड्स। तो बर्तन जमाती हूँ पहले। और फ्रेंड्स, मैंने बर्तन जमा दिया है, देख लीजिए खाली हो गया सारा, मैंने सेट कर दिया है। और अब मैं पूजा करने जा रही हूँ, ये देख लीजिए माता जी का। कल मैं जल्दी जल्दी में पूजा की थी क्योंकि काबू को दवाई लेने जाना था, तो मैंने जल्दी जल्दी में पूजा कर लिया था फ्रेंड। और आज मैं माता जी का बर्तन वगैरह धुल लेती हूँ। तो पहले लाइट बंद कर देती हूँ क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, लाइट से कुछ करंट निकलता है, कहीं कहीं मिस्टेक है, तो इसलिए मैं इसको बंद कर देती हूँ। लाइट बंद होने से कैसा हो जाता है मंदिर, ये देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे फटाफट से करना है क्योंकि काबू के पापा के लिए नाश्ता भी तैयार करनी है मुझे। तो चलते हैं, पहले माता जी का पूजा कर लूँगी, फिर आप सबसे मिलूंगी। और फ्रेंड्स, मैंने पूजा वगैरह कर लिया है, देख लीजिए। ये रही मेरी माता जी, आप लोग भी मत्था टेक लीजिए। और इधर से मेरे काबू बुब्बू उठ गई है। मैंने चाय रख दिया है, ये देख लीजिए चाय बनने के लिए। अभी दूध गर्म हो रहा है। और ये नाई दोस्त, मेरे चाय बन गया है, देख लीजिए। आइए आप सभी चाय भी लीजिए गर्म गर्म। और चाय मैंने बना लिया फ्रेंड्स। और इधर से मैंने चने उबाल मतलब फ्राई किए थे, वो भी मतलब नाश्ता मैंने काबू के पापा को दे दिया है। और ये मैंने दाल भी बो दिया है, ये देख लीजिए ये वाली। तो इसकी मैं सब्जी बनाऊंगी, तब तक ये फूल मतलब वो खोलता है, तब तक मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे से। और दोस्तों, मेरी काबू बिटिया सो गई है, देख लीजिए किसी तरह से मैंने इसको टेढ़ा मेढ़ा करके सुलाया है। और अब जाके मुझे फुर्सत मिली है फ्रेंड्स, और मैं चाय अपना निकाली थी चाय पीने के लिए, लेकिन ये देख लीजिए मेरा चाय ठंडी हो गई है, देखिए। लेकिन चाय पीने को नसीब नहीं हुआ, तो मैं वापस से गर्म करूँगी। और मैंने चना थोड़ा सा रखा था कल का, तो वो फ्राई कर दिया, तो काबू के पापा खा के चले गए नाश्ता करके। और अभी मुझे पापा के कपड़े प्रेस करने हैं, तो मैं पापा के कपड़े प्रेस कर देती हूँ, फिर उसके बाद में उनके लिए नाश्ता तैयार करेंगे। तो मैं पापा के कपड़े पहले प्रेस कर देती हूँ, फिर आपसे उससे मिलती हूँ। और मैंने पापा का कपड़ा मैंने प्रेस कर दिया है फ्रेंड्स। और अब मैं चलती हूँ नाश्ता तैयार करती हूँ, कुछ बना लेती हूँ। तो नाश्ते में मैं सोच रही हूँ कि लौकी रखा है, तो लौकी की मैं पापा को पकौड़े बना के दे दूँ, क्योंकि मेरा भी मन कर रहा है खाने के लिए। चलते हैं बनाते हैं। तो लौकी के लिए मैं पहले पकौड़े तैयार कर लेती हूँ।
घोल तैयार कर लेंगे फ्रेंड। तो मैं बेसन मूंगफली थोड़ा सा ले लूँगी, ये देखिए मैंने इतना सा बेसन ले लिया है। उसमें थोड़ा सा मसाला भी ला देंगे, हल्दी, धनिया, जरा सा मिर्ची, और ये जीरा, और नमक, ये इतना सा, और इसके बाद घोल बनाएंगे फ्रेंड्स। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको रख देते हैं फ्रेंड्स फूलने के लिए थोड़ी देर के लिए। इसको ऐसे रखते हैं और हम लौकी तैयार कर लेते हैं। और फ्रेंड्स मेरे पास इतनी बड़ी लौकी थी तो मैं इसमें से थोड़ा सा कट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही चाहिए और शाम को सब्जी बना लूँगी। और देखिए कितनी अच्छी लौकी है तो मैं इतने का ही बनाऊँगी। तो इसको पहले छील लेती हूँ। देखिए मैंने छील लिया है, इसको कट कर दूंगी मैं और इसको धुल लूंगी मैं। और धुल के मैंने साफ कर लिया था और अब मैं इसको कट करती हूँ। देखिए कितना अच्छे से गोल गोल कट रहा है, ये देखिए। तो इसको फ्रेंड्स इतना मोटा सा कटना है, ज़्यादा पतला भी नहीं ज़्यादा मोटा भी नहीं। तो मैं सारे कट कर लेती हूँ फिर आप उससे मिलती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने चाकू से भी इतने गोल गोल से काट लिए हैं और एक साइज का है, कोई ना छोटा है कोई ना बड़ा है, बढ़िया से कट गया है फ्रेंड्स ये देखिए। और अब मैं इसको बनाती हूँ फ्रेंड्स और आप सबको दिखाती हूँ। आप चाहे तो कद्दूकस से भी कट कर सकते हैं पर मेरे पास कद्दूकस है पर कहीं रखा हुआ है इसलिए मैंने चाकू से काट लिया। और देख लीजिए आलू कितने अच्छे से कट गया है। तो चलते ही बनाते हैं फ्रेंड्स। और ये सब हमारा ये देखिए फ्रेंड्स ये हो गया है। इस टाइप का रहना चाहिए, ज़्यादा ना पतला होना चाहिए ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो और अब इसके लिए मैंने कढ़ाई रख दिया गरम होने के लिए। तो फ्रेंड्स मेरा तेल गरम हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए बबल्स आने लगे हैं तो मैं इसी कंसिस्टेंसी में डाल देती हूँ।
लौकी ऐसे लिया, इसे डुबाया और फिर अब इसको ऐसे डाल देंगे। और ये कुछ इस तरह से हो गया है, तो इसको ला कर देंगे। हो गया है मेरा लौकी का बीज का पौड़ा, तो इसको अब मैं निकाल लेती हूँ। कितना अच्छी तरह से बन गया है ये देखिए, और ये एकदम तेल इसमें नहीं है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए, और बढ़िया सॉफ्ट और बढ़िया बन गया है। तो इसी तरह से हम ये डाल देते हैं इसमें। और फ्रेंड्स, मेरा नाश्ता तैयार हो गया है। इधर मेरी काबू बिटिया उठ गई है, और ये देखिए मेरा पकौड़ा लौकी का। तो आइए आप सब भी खा लीजिए गर्मा गर्म पकौड़ा, क्योंकि आज मेरे यहाँ बारिश हो रहा है और मेरा मन कर रहा था पकौड़ा खाने के लिए, तो मैंने बना लिया। और मैं पापा को देने जा रही हूँ क्योंकि उनको लेट हो रहा है, तो फिर मिलती हूँ मैं पापा को देके। और फ्रेंड्स, मेरा नाश्ता देख लीजिए, चाय और गर्मा गर्म पकौड़ी लौकी की तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ और खाती हूँ, और आप सबको भी बताती हूँ कैसा टेस्ट है। और आप सब भी आइए और खा लीजिए। रुक जाए बेटा, नहीं तो गिर जाएगी। और आइए आप सब भी खा लीजिए। फ्रेंड्स, ये रखा हुआ है और गर्मा गर्म पकौड़ा लौकी का और चाय, बहुत अच्छा लगता है। और आप सब देख लीजिए फ्रेंड, ये एकदम से हो गया है, ये घुल गया है लौकी पूरा। तो मेरा ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें ऐसा, मुझे तो अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और मेरा मन करता है तभी बना लेती हूँ, और आज बारिश हो रहा है तो इसलिए मैंने, और भी मेरा मन कर रहा था तो मैंने बना लिया। और मेरे काबू बिटिया की तबीयत आज थोड़ी सी अच्छी है फ्रेंड्स। कल मैंने इसको भात दिला के लाए, फिर इंजेक्शन लगवाए, फिर क्या नाम है दवाई खाई और लेकर गई। अब इसके कान दिखाना है फ्रेंड्स, तो आज देखते हैं, अगर बारिश बंद हो जाएगी तो आज शाम तक लेकर जाऊंगी, कान दिखा के लेकर आऊंगी इसका। तो फ्रेंड्स, मैं फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और पकौड़ी खाना है तो मेरे घर जरूर आइए। बाय बाय दोस्तों। और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर कमेंट करें, और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, ताकि मेरा नन्ना सा प्यारा सा ब्लॉग जो भी मैं शूट कर पाती हूँ वो आप तक जरूर पहुँचे सबसे पहले। बाय बाय।